अरे ये देखो कितनी सुंदर नदी बह रही है, और ये कौन है जो अपने फ्रेंड्स को इतनी अच्छी पोएम सुना रहा है? अरे ये क्या कविता सुनाते सुनाते ये किस सोच में पड़ गए, और ये क्या करने लगे? अरे रे 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 रे, उन्होंने तो अपनी बुक को पानी में ही बहा दिया। ऐसा क्यों किया? क्या आपको पता है ये कौन है? ये हैं कविवर बनारसी दास जी, जो एक जैन राइटर, पोएट और फिलोसोफर थे। उनका जन्म 1587 में जौनपुर के एक जैन परिवार में हुआ था। बर्थ के टाइम पे उनका नाम विक्रमाजीत रखा गया। जब विक्रमाजीत 6-7 महीने के हुए ना, तब उनके माता पिता उनको काशी बनारस ले गए। वहाँ पर एक पुजारी के कहने पर उनका नाम बनारसी दास रख दिया गया। बचपन से ही वे बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने 9-10 साल से ही अपने परिवार का बिजनेस संभाला और अपनी बेसिक एजुकेशन पूर्ण की। जब वो 11 साल के हुए तो उनकी शादी करा दी गई। उनकी शादी होने के बाद उनके परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आ गई। जब वे 14 ईयर्स के हुए तो उन्होंने एक टीचर से भारतीय एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स की पढ़ाई की, और साथ साथ उन्होंने लिटरेचर एंड पोइट्री की भी बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई की। जब वे बड़े हुए तो वो बैड हैबिट्स में पड़ गए। वो हमेशा अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इधर उधर बस भटकते रहते थे। अपनी फैमिली की तरफ, अपने पढ़ाई की तरफ उनको कोई ध्यान ही नहीं रहा था। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी। इसी समय उन्होंने अपनी एक पोएट्री नवरस लिखी, जो कि एक लव पोएट्री थी। एक दिन एक नदी के किनारे जब वो अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को ये पोएम सुना रहे थे ना, और उनके मित्र तो उस पोएम को बहुत इंजॉय कर रहे थे, तब अचानक उनके मन में एक थॉट आया। उनको अचानक से रियलाइज हुआ कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने वर्ल्डली और सेंसरी प्लेजर्स के बारे में पोएट्री बना के सही नहीं किया है। ये तो पाप का काम है, कषाय बढ़ाने वाला काम है। उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी लिखी हुई पोएट्री नवरस की किताब को उसी नदी में बहा दिया। इसी बीच उन्हें भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। उनकी बॉडी से, उनके शरीर से बहुत गंदी बदबू आती थी, बैड स्मेल आती थी, और ये उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। उनको बहुत दर्द सहन करना पड़ा। इस कठिन समय में उनकी मदर इन लॉ और उनकी वाइफ ने उनकी बहुत सेवा की। थोड़े समय में उन्होंने रिकवर कर लिया। ये बीमारी उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रही। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, रियलाइजेशन हुई। उन्हें लगा कि इतना अनमोल जीवन वो मौज मस्ती और गलत आदतों में बिगाड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़ दी। उनका जीवन एक इंस्पिरेशन है। बीमारी होने पर परेशान होने की जगह उन्होंने अपने जीवन को एक न्यू डायरेक्शन दे दी, एक अच्छी दिशा में लगाया। जब वो 24 साल के हुए तब उनके पिता ने उन्हें बिजनेस करने के लिए जौनपुर से आगरा भेज दिया। साथ में उनको बहुत सा पैसा और घर का सामान भी दिया, जिससे कि वो अपना व्यापार, अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सके, शुरू कर सके। लेकिन वे अपने बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुए। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन तो और इतनी बुरी हो गई कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उनके फादर की डेथ होने के बाद उनकी सिचुएशन और भी ख़राब होती गई। उनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आईं, बहुत डिफ़िकल्टीज आईं। उनकी 3 बार शादी हुई, पर अनफॉर्चुनेटली एक के बाद एक उनकी वाइफ्स की डेथ होती गई, उनके बच्चों की भी डेथ होती गई। एक आम इंसान, एक कॉमन पर्सन ऐसी सिचुएशंस में तो बहुत घबरा जाएगा, है ना? लेकिन आपको पता है, बनारसी दास जी ने गिव अप नहीं किया। ऐसे समय में भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास, अपना हौसला बनाए रखा। इतने स्ट्रगल्स के बाद भी वे अपने मन से बहुत स्ट्रांग थे, और उन्होंने अपनी पोइट्री को अपनी ताकत बनाया। वे अपनी राइटिंग और पोइट्री में लगे रहते थे। 1680 में जब वे 37 साल के हुए तो उनके जीवन में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो एक बहुत बड़े कवि अरथमल जी ढोर से मिले, जिन्होंने बनारसी दास जी को अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा दी।
उन्होंने बनारसी दास जी को महान ग्रंथ समय सार टीका की स्टडी करने के लिए भी मोटिवेट किया और बनारसी दास जी ने भी बड़ी लगन से उनकी बात मानकर उस महान ग्रंथ का स्वाध्याय किया, सेल्फ स्टडी की। इससे पता है क्या हुआ, बनारसी दास जी को अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ। उन्हें ये समझ आया कि आत्मा और शरीर तो अलग अलग हैं। अब तो वो आत्मा के ध्यान में ही रहने लगे और उनके मन से सारे बुरे विचार निकल गए। उनकी तो जैसे पूरी पर्सनैलिटी ही बदल गई हो, लेकिन उन्हें अभी भी अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का प्रॉपर ज्ञान नहीं हुआ था। ऐसी स्टेट में रहते रहते उन्होंने 12 साल बिता दिए। उनकी लाइफ में अगला मेजर चेंज तब आया जब ज्ञानी पंडित रूपचंद जी पांडे आगरा आए। उनको जैन तत्वों का बहुत अच्छा और बैलेंस्ड ज्ञान था। बनारसी दास जी उनके ज्ञान से बहुत इम्प्रेस्ड हुए और उनके ग्रंथराज गोमठ सार के प्रवचन सुनने लगे। प्रवचन सुनने से उनकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया और उनकी जो भी गलत धारणाएँ थीं, अजम्पशंस थीं, वो ख़त्म हो गईं, जिससे उन्हें जीवन के सत्य का ज्ञान हुआ और वे अपनी आत्मा के चिंतन में और गहरे उतर गए। उनको अध्यात्म में इतना इंटरेस्ट आया कि 1693 में उन्होंने समय सार जी को नाटक समय सार के रूप में लिखा। उनका यह आध्यात्मिक ग्रंथ तो बहुत पॉपुलर हो गया। ऐसा पॉपुलर हुआ कि घर घर में समय सार की चर्चा होने लगी। पूरे समाज में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब उनका मन स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया, जैसे कि जो वो पाना चाहते थे वो उन्हें मिल गया हो। उन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी बुक्स लिखीं, जिसमें हैं बनारसी विलास, नाम माला, नाटक समय सार, ये कुछ बहुत पॉपुलर बुक्स हैं। साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत वैल्यूएबल है। उनकी बुक नाटक समय सार की वजह से उनको महान कवि तुलसीदास के समान माना जाता है। बाद में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जो कि अर्धकथानक के नाम से फेमस है। उनका अर्धकथानक हिंदी साहित्य का बहुत एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। भारतीय भाषा में लिखे जाने वाला यह पहला ऑटोबायोग्राफी है। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उनको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, जिसके कारण वो ज़्यादा बोल नहीं पाते थे। वे धर्म ध्यान और आत्मचिंतन में लीन रहते थे और उनका मरण सन 1643 में हुआ। तो देखा बच्चों आपने, कविवर बनारसी दास जी के जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। इतनी फिनेंशियल और फैमिली प्रॉब्लम से भी उन्होंने सफ़र किया। उनसे बहुत सारी गलतियां भी हुई, पर उन्होंने अपनी गलतियों से सीखकर अपने आप को इम्प्रूव किया और धर्म के मार्ग पर लगाया। जैसे ही उन्होंने धर्म के सच्चे स्वरूप को जाना और समझा, तो उन्होंने अपना ही नहीं, समाज का भी कल्याण किया। तो बच्चों, सिर्फ धर्म और अपनी आत्मा के चिंतन से ही हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी हमेशा धर्म मार्ग पर चलकर अपने जीवन का कल्याण करोगे ना। जय जिनेंद्र।